मैं आफ्ताब हसनैन हूँ, ड्रामा निगार हूँ और बच्चों का अदीब हूँ। मैंने अपना अदबी सफ़र जो शुरू किया वो बच्चों का अदब खल्क करते हुए किया, इसलिए मैं अपने आप को ड्रामा निगार से ज़्यादा बच्चों का अदीब कहलाना पसंद करता हूँ। सर, जब मैं आया आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो जैसे ही मैंने घर में एंट्री की तो मैंने जब देखा तो चारों तरफ अवार्ड रखे हुए हैं आपके, तो ये किस किस लिए अवार्ड मिले हैं आपको? इतने सारे अवार्ड हैं, इसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे, किसने दिया है, मतलब किस चीज़ में? मुश्किल साहब जी, ये जो आपने देखा ना अवार्ड्स, ये अवार्ड्स नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, मेरा असासा है। मैं अपने बच्चों को अगर कुछ दे के जा रहा हूँ तो ये सारे अवार्ड्स हैं और यही। तो क्या कुछ बताएंगे कि किस किस वर्क के लिए आपको अवार्ड मिला है? किस काम के लिए आपको अवार्ड मिला है? कुछ ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अदीब हूँ, ड्रामा निगार हूँ, राइटर हूँ, इसलिए जो भी अवार्ड्स मुझको मिले हुए हैं वो सब अदब की खिदमत के लिए मिले, जो खिदमत मैंने अदब के लिए की है उसके अवार्ड्स मिले हुए। इसमें सबसे कीमती अवार्ड कौन सा है, जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है कि आपको लगना चाहिए था कि ये अवार्ड मेरे को नहीं मिला है या और मिला आपको, उसके बारे में कुछ? मुश्किल साहब, ये जो वर्ड आपने यूज़ किया है, कीमती अवार्ड कौन सा है? होता है, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे को सारी चीज़ें मिल गई, हर चीज़ के लिए अवार्ड मिल गया, बट ये अवार्ड नहीं मिला और वो आपको मिला, तो कुछ ऐसी या नहीं मिला उसके लिए ब्रीफ करिए। देखिए, अवार्ड कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप पैसों से खरीदते हैं। जो मैं आपको कीमती बताऊं कि आप भाई ये बहुत कीमती है या ये सस्ता है, ये सारे अवार्ड्स जो भी मिलते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, वो लाकीमत होते हैं, ये बात तो आप भी मानते होंगे जी। समझे, तो जितने भी अवार्ड्स मुझको मिले हैं, जैसे सबसे लेटेस्ट अवार्ड जो है वो मुझको पिछले मार्च में मिला, वाग्धारा नवरत्न सम्मान, जो महाराष्ट्र के गवर्नर जनाब भगत सिंह कोश्यारी के हाथों दिया गया। उस वक्त फिल्मी दुनिया की सबसे मशहूर हस्ती, मशहूर हीरोइन मोहतरमा हेमा मालिनी भी मौजूद थी, उनको भी वहाँ पर अवार्ड दिया गया था, और उनके साथ मुझको अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। आपका इंडस्ट्रीज से भी टच है, अदबी मरकज से भी आपका टच रहा है, तो दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल था आपके लिए या कितना आसान, कितना मेहनत करना पड़ा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक आपने जैसा कहा कि मेरा फिल्मी टच भी रहा है या इंडस्ट्री से भी मैं टच में रहा हूँ, तो आपको एकदम फ्रेंकली बताऊँ, मैं अदबी आदमी हूँ, मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ और ना मैंने कभी फिल्म के लिए कोशिश किया। हाँ, इक्का दुक्के सीरियल ज़रूर लिखे हैं, और वो भी इसलिए लिखे हैं कि जब लोग, मतलब जो मेरे जानने वाले थे, वो आकर के आफ्ताब साहब आप लिखिए, इसके डायलॉग्स आप लिखिए, जैसे आहट सीरियल था, आहट के बहुत सारे एपिसोड्स के डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, और मैंने कुछ एपिसोड्स सीआईडी के भी लिखे हैं, उसके अलावा कुछ सीरियल्स मैंने प्रोड्यूस भी किए हैं, जैसे दहशत किया है BITV के लिए, हॉस्टल किया है, ट्विस्ट किया है, दहशत मैंने बीफोर यू चैनल के लिए प्रोड्यूस किया था। तो मैं फिल्मों से ज़्यादा अदब का आदमी हूँ, शायद इसलिए कि देखिए फिल्म एक अलग फील्ड है और अदब एक अलग फील्ड है। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग पूछते हैं क्यों आपने कोशिश नहीं की फिल्में लिखने की या ये करने की, तो मैं यही कहता हूँ कि शायद अल्लाह मुझको राह रास्त पर कायम रखना चाहता था। तब हम ये मत पूछिएगा कि आपका मतलब है कि फिल्मी लोग राह रास्त पर नहीं है, मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है, फिर भी अक्सर लोग मुझको बहके हुए नजर आते, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह मुझको राह रास्त पर कायम रखना चाहता है। और आप तो जानते ही हैं और आप देखते भी हैं कि मैं बहुत ही मजहबी आदमी हूँ, मजलिस मातम का आदमी हूँ, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं पैदा ही हुआ हूँ आज़ादारी के लिए। तो मैं मज़हब को और अपने अदब को और अपनी फील्ड को, दोनों को मैनेज करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर कोई आपका
इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई फ्रेंड आके अभी कोई स्टोरी के लिए बोले आपसे कि एक सीरियल लिख दीजिए या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दीजिए, तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, कोई आकर बोले कि आप सीरियल लिख दीजिए या आप ये कर दीजिए, तो वो किसी के भी बस की बात नहीं है। आप मेरे घर आ जाइए और बोलिए, आफ्ताब साहब मुझको एक सीरियल लिख के दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। सीरियल लिखने के लिए भी पूरी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हर चीज़ का एक कंसेप्ट होना चाहिए, फिर उस कंसेप्ट को आप कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डायलॉग से आप उसको सजाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तब कहीं जाकर एक सीरियल की स्क्रिप्ट तैयार होती है। ये नहीं कि आप अभी आए और रातों रात किसी ने आपको सीरियल की स्क्रिप्ट लिख के दे दी, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो सीरियल सिर्फ छापने के लिए होता है कि आपका डेली एपिसोड चल रहा है, आप सुबह कलम लेके बैठे, 2 घंटे में आपने आपके दिमाग में जो आया वो लिख के दे दिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने उसको एक तरह से छाप दिया। एक्टर अगर अच्छी एक्टिंग नहीं भी किया है तो बोलते हैं नहीं चलता है भाई, चलने दो, मीटर चल रहा है, समझे। तो मीटर को रोकने के लिए लोग छापते रहते। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बड़े मजहबी इंसान हैं, और बेसिकली जितना मेरा भी तजुर्बा है कि काफ़ी मजहबी इंसान है, फिर एकदम से सडनली आप ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एकदम सडनली आपने किसी सीरियल को प्रोड्यूस कर दिया दहशत को? कुछ काफ़ी प्लानिंग की होगी, काफ़ी लोग जुड़े हुए होंगे, तो उसका बताइए, काफ़ी हिट सीरियल था वो, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि कैसे प्रोड्यूस किया आपने, क्या किसने आपको अप्रोच किया, कुछ शेयर कीजिए। देखिए, मेरे मजहबी होने से मेरा दहशत प्रोड्यूस करने से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे। दहशत सीरियल जो था वो सुपर नेचुरल था। देखिए, अगर लोग मुझसे कहते हैं कि आप फिल्म लाइन की कमाई हराम है, फिल्मों से जो भी इनकम है वो हराम है, मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई। मेरा अपना गुजारा सिर्फ इसी लाइन से है, फिल्मी लाइन से है। मैं लिखता हूँ, और जैसा मैंने बताया, मैं फिल्में नहीं लिख रहा हूँ, और अगर मैं फिल्में भी लिखूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर मैं वो फिल्में लिख रहा हूँ, वो सब्जेक्ट लिख रहा हूँ जिससे समाज में बुराई फैल रही है, तो वो बुराई है। हमको इस्लाम ने मना नहीं किया है लिखने के लिए, ये मना नहीं किया कि आप फिल्में मत लिखिए, या आप अदब मत लिखिए, या आप ड्रामे मत लिखिए, आप वो चीज़ें मत लिखिए जिससे समाज में गंदगी फैले और समाज में बुराई फैले और जिससे आज के बच्चे गुमराह। आप अच्छी चीज़ें लिखिए, ऐसी चीज़ें लिखिए जिससे समाज का सुधार हो, माशरे का सुधार हो, तो आप वेलकम है राइटिंग में भी। दहशत मैंने प्रोड्यूस किया, मुझको अपनी रोजी रोटी भी चलाना है। मुसवी साहब, ये पेट भी तो है ना, और मेरे पास एक ही आर्ट था, वो था राइटिंग का आर्ट। तो मैं लिखने लगा, जैसे मैंने आपको बताया मैंने आहार, उसके बाद में सैटरडे सस्पेंस के भी कुछ एपिसोड्स मैंने लिखे हैं। फिर मुझको मौका मिला सीरियल प्रोड्यूस करने का, तो मैंने हॉस्टल प्रोड्यूस किया BITV के लिए। उसके बाद में BFOU से ऑफर मिला कि मुझको उनको आहार टाइप का सब्जेक्ट चाहिए था, तो मैंने दहशत लिखा। बल्कि मैं नहीं लिखा था, बल्कि मेरा एक दोस्त था जो वो मुझको लिख के दे रहा था दहशत सीरियल। मैं सिर्फ उस सीरियल का प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर भी कोई और था। तो ये पेट भी पालना है, इसलिए मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। और अगर आप दहशत के मेरे एपिसोड देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं है, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज भी है उसके अंदर, सब कुछ है, और एक एंटरटेनमेंट है वो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैंने मजहब के साथ में सीरियल भी प्रोड्यूस किया है तो ये अच्छी बात है। सडनली फिर इतने 20-22 एपिसोड आए थे शायद उसके, तो फिर एकदम से फिर बंद क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, कुछ बताएंगे? इतना अच्छा सीरियल चल रहा था, उसके बाद सडनली बंद हो जाना, क्या वजूहत, क्या रीज़न थे? देखिए, दहशत जो चल रहा था, सीरियल जो चल रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी TRP भी बहुत अच्छी थी, और BFOU चैनल पर वो टॉप पर जा रहा था। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसके बंद करने की वजह क्या थी, तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना सीरियल नहीं चाहता कि वो बंद हो जाए। ये चैनल के ऊपर होता है कि वो सीरियल को चलते रहने दे, और जैसा कि मैंने कहा कि वो टॉप पर था, मतलब चैनल को उससे फ़ायदा भी पहुँच रहा था। अब ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा चैनल अगर चल रहा था,
उसके पीछे कुछ चैनल वालों की मजबूरियां भी होती हैं, और उन मजबूरियों के तहत बिफोर यू चैनल ही बंद हो गया। जब चैनल बंद हो गया तो ऑब्वियस बात है कि मेरा सीरियल भी बंद हो गया, समझे जी। आगे चलते चलते कुछ इरादा है और कुछ नया देने के लिए, जिस कोई ऐसा मैसेज जो आप क्रिएट करें फिल्म के जरिए या सीरियल के जरिए, जिससे समाज में कोई मैसेज जाए, कुछ ऐसा इरादा है आपका? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे कि आपका आगे कुछ करने का इरादा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि सर अगर आप कुछ लिखेंगे तो कुछ अच्छा ही लिखेंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखो, राइटर की जो जिंदगी होती है ना, ये एक ऐसा जुनून है ना कि अगर मैं जिंदगी की आखिरी सांस भी लेता रहूं ना और मेरे जहन में कुछ आए तो मैं वो भी समाज को देकर जाऊंगा। रहा सीरियल प्रोड्यूस करने का, तो वो भी मैं अगर मुझको मौका मिला तो मैं ज़रूर करूंगा, बहर हाल करूंगा, मतलब हर हाल में करूंगा, बशर्त के वो एक अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर हो और लॉस का सवाल नहीं हो। देखो, मैंने कभी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं अपनाई जिससे ये अंदेशा हो कि यार ये तो घाटे का सौदा है। और हर किसी को ये सोचना चाहिए, आपने मैसेज की बात की ना, तो आप सिर्फ ग्लैमर देखकर इस लाइन में मत आइए, आप ये भी देखिए कि आप जो कर रहे हैं कहीं ये घाटे का सौदा तो नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप बना लेंगे, आप सीरियल बना लेंगे, वेब सीरीज बना लेंगे, फिल्म बना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? चलिए, पहले तो डब्बे का ज़माना था, फिल्मों की रील के डब्बे थे, तो मैं ये कहता था कि आपने फिल्म तो बना ली, अब क्या सर पर डब्बे लेकर फिरेंगे, फिल्म ले लो भाई, फिल्म ले लो, फिल्म ले लो। तो ऐसा सब मत कीजिए, जो भी कदम उठाइए सोच समझ कर उठाइए। अब आपका पैसा मेहनत का पैसा है, उस पैसे को जायज़ जगह पर खर्च कीजिए। जायज़ से मेरा मतलब है अगर फिल्म सीरियल या फिल्मों के जरूर भी खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ कर खर्च कीजिए जी। बायोपिक का दौर चल रहा है, काफ़ी एक्टर और काफ़ी लोगों के ऊपर बायोपिक बनी है, आप एक नामचीन हस्ती हैं अदबी और इंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर आपके ऊपर बायोपिक बने तो किस एक्टर को आपके ऊपर बायोपिक में देखना चाहेंगे कि आपके कैरेक्टर को वो निभाए? भाई मुश्री साहब, इतने मुश्किल मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कोई पर अगर बायोपिक बनती है, सोचे पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मुझ पर बायोपिक बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? ऑफकोर्स आपने इतना लोगों क्या मैं में इतना पॉपुलर हूँ? आपने मेरे घर में ये सारे इतने सारे 20-25 अवार्ड्स देख लिए, तो आपने सोच लिया कि आफ्ताब हसनैन बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन आफ्ताब हसनैन बड़ा उस वक्त होगा जब अगर दुनिया भर के नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान भर के लोग ये कहें कि भाई हम आफ्ताब हसनैन को जानते हैं। या देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं स्कूल में था ना तो मुझसे लोग पूछते थे, टीचर्स अक्सर पूछते थे स्कूल में, आपके स्कूल में भी आपसे पूछा जाता होगा कि भाई आपकी विश क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है। तो मैं अपने स्कूल में जब मुझसे पूछा जाता था ना कि मेरी विश क्या है, तो मैं अपनी विश यही बताता था कि मेरी विश ये है कि जब मैं मरूं तो कम से कम पूरे इंडिया में लोग कहें कि आज आफ्ताब हसनैन मर गया। इंशाल्लाह अल्लाह का करम है, रफ्ता रफ्ता वो वक्त आ रहा है, लोग मुझको पहचानते हैं, मुझको जानते हैं। मैं एक उरूज पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैं बुलंदी पर पहुंच रहा हूं। इस बुलंदी पर जहां भारत का हर भारतीय अगर नज़र उठाकर देखेगा तो आफ्ताब हसनैन नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह जब मरूंगा तो कम से कम सब अखबारों में इतना तो आएगा कि आज आफ्ताब हसनैन मर गया। और अगर बायोपिक बनाना है तो मुश्री साहब आप भी तो इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप कोशिश करें तो शायद मेरी बायोपिक बन सकती है। और अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो फिर आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आप किसको लेना चाहते हैं फिर, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अपनी मर्जी पर होता। क्योंकि जब आप पैसा लगाएंगे तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आपका पैसा रिटर्न आए, तो आप अच्छे से अच्छे एक्टर को लेकर मेरी बायोपिक बनाएंगे, मेरा किरदार उसको अदा करने के लिए देंगे। चॉइस आपकी रहेगी ना सर? हाँ, चॉइस आपकी रहेगी जी। नहीं देखिए, जहाँ मैंने ये अक्सर देखा है, फिल्म लाइन हो या सीरियल हो, ये हो,
चॉइस अक्सर प्रोड्यूसर की रहती, क्योंकि जहां एक्टर अपनी चॉइस बताना शुरू करता है ना, तो प्रोड्यूसर फौरन उस एक्टर को बाहर कर देता है कि भाई आगे ये जाकर हमको नुकसान पहुंचा सकता है। शायद आप मेरी बात से इस्तेफाक ना करें, लेकिन ये सही है। चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, उन लोगों को जो हमारे चैनल के दर्शक हैं और जो आपके दर्शक हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनको कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे। गणेश चतुर्थी चल रहा है, फिर मुहर्रम का भी बहुत गमगीन महीना चल रहा है, तो उसके बाद में मैसेज तो मैंने अभी एक दिया उन लोगों के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अभी दे चुका हूँ। दूसरा मैसेज जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे ड्रामों को पसंद करते हैं, जो मेरी कहानियों को पसंद करते हैं, अभी जो मेरी लेटेस्ट किताब छाई हुई है आफ्ताब हसनैन की 30 कहानियाँ, बच्चों के लिए मेरी 30 कहानियाँ हैं जो काफ़ी मकबूल हो चुकी हैं, काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं मुझको, फेसबुक पर भी काफ़ी कमेंट्स आपने उस किताब को लेकर देखा होगा। उसके अलावा चलिए किताबों की बात चली तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये तो बच्चों की किताब थी, मेरी एक बड़ों के लिए भी किताब आई है इसी साल, उसका नाम मैंने रखा है ड्रामायण। शायद आप भी मुझसे ये सवाल कर बैठे कि भाई ये ड्रामायण क्या हुआ, ये तो कोई लफ्ज है ही नहीं, डिक्शनरी में भी नहीं है, लुगत में भी नहीं है, ये ड्रामायण क्या नाम रख दिया आपने। वाहिद और अतनैन होता है, लेकिन ड्रामायण आपने तो ड्रामा मतलब इंग्लिश और अतनैन मतलब अरबी, तो इंग्लिश और अरबी का मिलाप कर दिया है। तो भाई मैं लोगों से यही कहता हूँ, ठीक है आपके लिए ये नया वर्ड है, अभी मैंने ड्रामायण नाम रखा है तो आपको कम अज़ कम एक वर्ड तो उर्दू का मिला ना, एक नई सिला तो मिली, ड्रामायण जिसका मतलब दो ड्रामे। उस किताब में मेरे दो फुल लेंथ ड्रामे हैं, एक ड्रामे का नाम यहाँ अमीना बिकती है जो बहुत ही मशहूर ड्रामा है, उस पर मुझको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, और दूसरा फुल लेंथ ड्रामा जो उस किताब में है उसका नाम रोशनी है। तो ये ड्रामायण भी इंशाल्लाह बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और बहुत से अवार्ड्स के लिए गया हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी अवार्ड या वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी अवार्ड या महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी अवार्ड, इन सब जगह पे किताबें सबमिट हुई हैं और इंशाल्लाह मुझको उम्मीद है कि मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। देखिए आपको अगर अपने आप पर भरोसा है, जैसे मैंने कहा कि मुझको अवार्ड मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, तो ही आपने की चीज़ इतनी आपको कॉन्फिडेंस है कि उस पाए तक पहुँचेगी कि अवार्ड के लिए सिलेक्ट की जाए। और यही वजह है, जो सारे अवार्ड्स आप देख रहे हैं मेरे घर में, उसकी वजह मेरा भरोसा है, जो ये अवार्ड्स वहाँ से मेरे घर में आकर सजे हुए। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया मुशफी साहब कि आपने मुझको इस काबिल समझा कि मुझसे बातचीत की और मेरे बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की और मेरी बातों को मेरे पढ़ने वालों तक पहुंचाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। हाँ, आपने मेरे अवार्ड्स के बारे में पूछा था लेकिन वो बात अधूरी रह गई, फिर कभी किसी मौके पर मैं अपने जो अवार्ड्स, ये 15-20-16 अवार्ड जो मेरे घर में सजे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। हाँ, एक बात बता दूँ कि इन सब अवार्ड्स में जो सबसे ज़्यादा अहम अवार्ड मेरे लिए है वो अवार्ड है ज़ैनबिया अवार्ड, जिसे मेरी अपनी कौम शिया कौम ने मुझे दी हुई है मेरी अदबी खिदमात के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि अवार्ड साहित्य एकेडमी के जो प्रेसिडेंट थे गोपी चंद नारंग, उनको भी मिला है और डॉक्टर रफिया शबनम आबिदी को भी मिला हुआ है। इन दोनों को मिलने के बाद ये अवार्ड मुझको मिलना मेरे लिए बायस इज्जत था और मैं उसके लिए अपने आप पर नाज करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।